हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज की रेसिपी है चिंग सीक्रेट पनीर चिली मसाला मिक्स। आप इस पैकेट से एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में पनीर चिली मसाला मिक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होता है। आपको इसमें नमक, मिर्च या और कोई भी दूसरे मसाले ऐड करने की जरूरत नहीं। बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले लेंगे चिंग सीक्रेट पनीर चिली मसाला मिक्स का ये पैकेट। 20 ग्राम का ये पैकेट है। इसका MRP प्राइस 10 रुपए है। इसके पीछे ये बनाने का तरीका लिखा हुआ है। पैकेट को कट करेंगे, 300 ml पानी लेंगे। पानी में इस मसाले का घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। मसालों का घोल बनकर तैयार हो चुका, इसे एक तरफ रखेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, इस कढ़ाई में 4 चम्मच तेल ऐड कर देंगे और तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद कटी हुई 2 लहसुन की कलियां, एक हरी मिर्च कट करके इसमें ऐड कर देंगे और 4 चम्मच इसमें स्प्रिंग ओनियन ऐड कर देंगे। लगातार चलाते हुए 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम आपको एकदम यहाँ लो रखनी है। 3 मिनट बाद यहाँ पर छोटे टुकड़ों में कटी हुई एक गाजर लेंगे, एक छोटी शिमला मिर्च है, एक प्याज को भी बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। सबको इस तरह से ऐड कर देंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सारी सब्जियों को लगातार चलाते हुए 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। 3 मिनट बाद इसमें 200 ग्राम पनीर ऐड कर देंगे, ये बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। इसको भी यहाँ पर चलाएंगे। गैस की फ्लेम आपको एकदम यहाँ लो रखनी है। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर पनीर लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई हो चुका। अब इससे ज्यादा इसे यहाँ नहीं फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे चिंग सीक्रेट पनीर चिली मसाला मिक्स, जो हमने पानी में बनाकर तैयार कर लिया था। पूरा यहाँ पर ऐड कर देंगे। मसाले का घोल ऐड करके इसको भी यहाँ अच्छे से चलाएंगे। इसको यहाँ पर हम तब तक पका लेंगे जब तक ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए। ये देखिए, 3 मिनट हो चुके। 3 मिनट में ग्रेवी काफी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पर ग्रेवी को थोड़ी और भी गाढ़ी कर लेते। ये देखिए, काफी पतली है। 4 मिनट इसे यहाँ पर पका लिया। ये देखिए, 4 मिनट बाद ग्रेवी एकदम परफेक्ट पक चुकी है। इस तरह से इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहने देंगे। ग्रेवी का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और पनीर चिली मसाला को गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में पनीर चिली मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इसे बनाएं और बनाकर एंजॉय करें। बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।